पांच वर्षों से काबिज आवास में रह रहे वार्ड 25 आम्रपाली भिलाई के रहवासियों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच बेघर नहीं किए जाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। जिला मुख्यालय स्थित भिलाई के सभी वार्ड 25 आम्रपाली के रहवासियों ने अपने आवास को लेकर गंभीर चिंता जताई। साथ ही बताया कि पिछले पांच वर्षों से उक्त योजना के तहत आवास में निवास कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अभी सभी के आगे एक समस्या आन खड़ी हुई है। भिलाई निगम के द्वारा मिले आदेश के बाद घबराई इन महिलाओं ने दुर्ग कलेक्टर से आस जताते हुए ज्ञापन के माध्यम से गुहार लगाई और कहा कि उन्हें बेघर न किया जाए। इन सभी लोगों को मकान खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे ये सभी काफी परेशान हैं। इनका कहना है कि वर्तमान में जिस स्थान पर ये निवास कर रहे हैं उन्हें वही रहने दिया जाए। सभी प्रभावितों ने शासन द्वारा निर्धारित की गई राशि को जमा करने का भी निर्णय लिया है। इस संबंध में मीडिया के समक्ष लोगों ने प्रतिक्रिया दी। से आए हैं, वहाँ पीएम आवास में रहते हैं और हम लोग को 5 साल हो गया रहते हुए। वार्ड नंबर 25 है और हम लोग को बोला गया था वहाँ आप लोग रहिए, उसके लिए आप लोग को किरायानामा में घर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर हम लोग फॉर्म भी जमा कर दिए, हम लोग को पर्ची भी काट के दिया, लेकिन नहीं दिया जा रहा है मैम घर, और उस घर को दूसरे के नाम पर आवंटन किया जा रहा है। तो ये तो धोखा है ना सर, धोखा नहीं करना चाहिए। जो भी है अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कहीं और शिफ्ट करिए, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। वहाँ बोल रहे किसी और के नाम की लॉटरी हो गई, आप लोग खाली करिए, और 75,000 में दिया जा रहा है उनको घर किराए वाले हैं। एक एक जन को मिलना चाहिए टूटने वाले में घर, तो लोगों को चार चार घर दिया जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसा नहीं होता है ना सर, गरीबों को एक ही घर चाहिए, 10 घर लेके क्या करेंगे, उनके लिए तो एक ही घर काफ़ी है ना। लेकिन वहाँ पर किनाल रोड में टूटा है तो उनको दो दो घर, तीन तीन घर दिया जा रहा है, और जिनके पास घर नहीं है उनको घर नहीं दिया जा रहा है। अभी लॉटरी कर दिए हैं, बोलते हैं कल खाली करो, ऐसे कैसे कर देंगे खाली? हम लोग कलेक्टर साहब से यही मांग कर रहे हैं कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं पर हमको घर दिया जाए, हम लोग पैसा पटाने के लिए तैयार हैं, हम लोग कहीं और नहीं जाएंगे सर। और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, किसी से दुश्मनी नहीं लेना है, ना किसी से कोई भेदभाव है, लेकिन ये गलत कर रहे हैं कि एक आदमी को चार चार घर दे रहे हैं। हम लोग रह रहे हैं, अभी हम लोग को छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बच्चे लोग का अगले महीने से एग्जाम है, हम लोग को बोलते हैं अभी हम लोग उनका दूसरे नाम से अलाउट हो गया, आप लोग उनका खाली कर दो, बोले सर लोग का कहाँ जाएंगे सर। हम ये मतलब निगम वाले बोल रहे हैं और निगम वाले जिसके अलाउट हो गया उन लोग बोलते हैं आप लोग घर खाली कर दो। फिर हमारा नाम से मीटर जब साल लगा दिए है और कभी 2 महीने का तो मैं 1800 रुपये जमा की हूँ सर, और बिल भी इतना आता है, मेरे बिल के लिए हम लोग देख नहीं रहे, मगर हम लोग को घर चाहिए, हम लोग वही घर चाहिए, हम लोग जो है किस्त बांध देंगे तो हम किस्त देने वाले हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।